हेलो किड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी लर्न स्टेशनरी आइटम्स नेम विथ हिंदी मीनिंग सो लेट बी स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड इज़ कागज़ दाब जिससे कागज़ वगैरह को दबाने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं कागज़ दाब इंग्लिश में इसे हम लोग पेपर वेट कहते हैं पेपर वेट नेक्स्ट वर्ड है हमारा खड़िया या खली जिसे इंग्लिश में हम लोग चौक कहते हैं चौक नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्याही स्याही को इंग्लिश में इंक कहा जाता है दवा जिसमें स्याही को रखा जाता है इसे इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं इंक पॉट नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोखता सोखता मींस इंक पैड इंक पैड नेक्स्ट है रबड़ की मोहर रबड़ की मोहर को इंग्लिश में रबड़ स्टैम्प कहा जाता है कलम कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं इस टाइप की कलम को हम लोग फाउंटेन पेन कहते हैं इस टाइप की कलम को बॉल पॉइंट या बॉल पेन कहा जाता है इस टाइप के पेन को हम लोग रोलर बॉल पेन कहते हैं इस टाइप की कलम को जेल पेन कहते हैं और इस टाइप की पंख वाली कलम को हम लोग क्वेल पेन या क्वेल कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है कलम की नोक कलम की नोक को हम लोग इंग्लिश में नीब कहते हैं नेक्स्ट है मार्कर इसको मार्कर ही कहा जाता है इंग्लिश में हाइलाइटर। किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में हाईलाइटर ही कहते हैं गलती सुधारने वाला जिसे करेक्शन पेन कहते हैं और बोलचाल की भाषा में वाइटनर कहते हैं कागज़ पकड़ने की तख्ती जिसे इंग्लिश में हम लोग क्लिप बोर्ड कहते हैं क्लिप बोर्ड या बोलचाल की भाषा में पैड कहते हैं किताब किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं पाठ्य पुस्तक इसे इंग्लिश में टेक्स्ट बुक कहा जाता है कॉपी कॉपी को अमेरिकन लैंग्वेज में नोटबुक और ब्रिटिश लैंग्वेज में एक्सरसाइज बुक कहते हैं इस टाइप की कॉपी को नोटबुक या फिर स्पायरल बाउंड कहा जाता है रजिस्टर रजिस्टर को इंग्लिश में रजिस्टरी कहा जाता है डायरी डायरी को इंग्लिश में डायरी या फिर हम इसे जर्नल जर्नल कह सकते हैं नोट पैड नोट पैड को इंग्लिश में नोट पैड ही कहते हैं रेखा चित्रण पुस्तिका को इंग्लिश में स्केच पैड या स्केच बुक कहा जाता है जिसमें ड्राइंग वगैरह बनाई जाती है चिपकाने वाली नोट्स को स्टिकी नोट्स कहा जाता है जो छोटे छोटे नोट्स को हम लोग वॉल पे चिपका सकते हैं बुकमार्क को हम लोग इंग्लिश में बुकमार्क ही कहते हैं लिफाफा लिफाफा को इंग्लिश में इन्वेलप कहा जाता है शब्दकोश शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कही जाती है जिसमें इंग्लिश की हिंदी वर्ड मीनिंग्स हम आसानी से देख सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को स्लेट को इंग्लिश में स्लेट कहते हैं पेंसिल को इंग्लिश में पेंसिल ही कहा जाता है और पेंसिल की नोक no को पॉइंट कहा जाता है रंगीन खड़ियाँ रंगीन खड़िया को इंग्लिश में क्रेन कहा जाता है क्रेन रंगीन पेंसिल को कलर्ड पेंसिल या पेंसिल क्रेन कहा जा सकता है रंगीन खड़ियों को वाटर कलर भी कहते हैं रंगीन पट्टिका पट्टिका कहने का मतलब है प्लेटेड नेक्स्ट वर्ड है आपका चित्रफलक इसको हम लोग कैनवास कहते हैं जिसपे चित्र बनाते हैं चित्रफलक रखने की जगह को हम लोग ई e सेल रबड़ रबड़ को अमेरिकन भाषा में इरेजर और ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग रबड़ी कहते हैं कटर कटर जिससे पेंसिल छीली जाती है पेंसिल शार्पनर कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा पेंसिल को शार्प किया जाता है नुकीला किया जाता है पेंसिल केस जिसमें पेंसिल को रखा जाता है पेंसिल रबड़ कटर रखने वाले बैग को पेंसिल केस कहते हैं चांदा चांदा को हम लोग इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रकार प्रकार को हम लोग कॉम्पॉक्स कहते हैं कॉम्पोस नेक्स्ट है विभाजक जिसे इंग्लिश में डिवाइडर कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है कोनिया कोनिया को इंग्लिश में सेट स्क्वायर कहा जाता है पैमाना जिसे हम लोग इंच भी कहते हैं ये लकड़ी प्लास्टिक और लोहे का बना होता है इंग्लिश में इसे रूलर कहा जाता है इस टाइप के डिब्बे को हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं पन्ना पन्ना को इंग्लिश में पेज कहा जाता है कागज कागज को इंग्लिश में पेपर, पेपर कहते हैं इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट पेपर को ट्रेसिंग पेपर कहते हैं सोखता कागज़ को हम लोग इंग्लिश में वोल्टिंग पेपर कहते हैं कार्बन कागज़ को हम लोग कार्बन पेपर कहते हैं अवतरण कागज गिफ्ट रैपर इसको हम लोग इंग्लिश में रैपिंग पेपर कहते हैं गिफ्ट वगैरह पेप रैप करने के यूज़ में आता है फाइल को इंग्लिश में फाइल कहा जाता है इस टाइप के छल्ले वाली फाइल को रिंग बैंडर कहते हैं नक्शा को इंग्लिश में मैप कहा जाता है कैलकुलेटर को कैलकुलेटर ही कहते हैं कागज का चाकू कागज़ वगैरह काटने के यूज में आता है इसे हम लोग पेपर नाइफ कहते हैं छेद यंत्र पेपर को छेद करने के लिए यूज़ किया जाता है इसे इंग्लिश में पंच कहते हैं स्टेपलर को इंग्लिश में स्टेपलरी ही कहा जाता है गोंद गोंद को इंग्लिश में हम लोग ग्लू या गम कहते हैं पेपर चिपकाने के यूज़ में आता है पिन पिन को पुश पिन कहते हैं इस टाइप के पिन को ड्राइंग पिन कहते हैं क्लिप ये पेपर को क्लिपिंग करने के लिए यूज होता है इसलिए पेपर क्लिप कहते हैं इस टाइप के क्लिप को हम लोग बुलडॉग क्लिप कहते हैं स्टिकर नेम स्लिप स्टिकर कहा जाता है इसे जो कॉपियों पे स्टिक करने के लिए यूज होता है चिपकाने वाला टेप इसे स्टिकी टेप कहते हैं